हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जो कि बायो एनर्जेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आपको एक हैंडमेड नोट प्रोवाइड करूंगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस वेयर द चेंज इन द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। सो बेसिकली एक्सर्गोनिक रिएक्शंस जो है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस है जहां पे जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी या हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है। हमने पिछले वीडियो में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होता है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा यहां आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा वो है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। इस फॉर्मूला के द्वारा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी को यूज करके हम हमारा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालते हैं। सो अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालते हैं किसी भी रिएक्शंस का, तो अगर हमारा नेगेटिव आता है, अगर हमारा जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में आता है तो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहलाता है। मतलब कि देयर इज द नेट रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। इस रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद उस प्रोसेस में जो है एनर्जी रिलीज होता है, इसी को एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहा जाता है। दिस इंडिकेट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इफ द सिस्टम इज क्लोज एंड इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर द सेम। सो बेसिकली ये जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इंडिकेट करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होता है, वह प्रोसेस वह रिएक्शंस होता है जहां पे जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए किसी बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहा जाता है। और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में भी किसी बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसी को एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसका एग्जांपल है सेलुलर रेस्पिरेशंस, जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑर्गेनिजम्स के जितने भी सेल्स होते हैं वो जो रेस्पिरेशंस जिसमें प्रोडक्ट हमारा बनता है, जिसमें जैसे अगर इसमें जो है ऑक्सीजन का यूज करके जो हमारे सेल्स को जिन एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसी को सेलुलर रेस्पिरेशंस कहा जाता है। उस प्रोसेस वह जो है एक्सर्गोनिक रिएक्शंस प्रोसेस प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद इस ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये जो है एक सिंपल सा ग्राफ है जहां पे ये फ्री एनर्जी एंड ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शंस है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होने के लिए जब ये एक्सर्गोनिक रिएक्शंस में होता है तो एनर्जी जो है यहां पे लॉस्ट होता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है नीचे मिलेगा। ठीक है, रिएक्टेंट से जो है कम एनर्जी, जैसे रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उससे कम एनर्जी की आवश्यकता जो है प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए होगा, क्योंकि यहां पे सेकंड स्लॉट में आप देखेंगे कि एनर्जी जो है लॉस्ट हो रहा है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट यहां प्राप्त होगा। उसके बाद एन एक्सर्गोनिक इज अ एक्सर्गोनिक रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस दैट रिलीज फ्री एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शंस। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी जो है रिलीज होता है इस प्रोसेस में, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के प्रोसेस में। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राफ से रिलेटेड। सो द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज शोन बाय द लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्राफ। तो यहाँ पे जो है जो लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है इस प्रोग्रेस को, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट सो डाउन द रिएक्शन, द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट इन टू। ठीक है, जो सेकेंड स्लॉट है आपको यहां दिख रहा होगा उसमें जो है एनर्जी जो होगा एक्सर्गोनिक रिएक्शन का फ्री एनर्जी जो होगा हमारा लॉस्ट हो रहा है, इसीलिए यहां पे हमारा नेगेटिव होगा एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने के लिए जो हमारा एनर्जी है लॉस्ट हो रहा है, इसीलिए एक्सर्गोनिक रिएक्शन जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होगा वो हमारा नेगेटिव में प्राप्त होगा। अब सिंबॉलिकली द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी जी इन एन एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एट कॉन्स्टेंट, सो द एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय। तो इसको हम कैसे सिम्बॉल जो है फ्री एनर्जी जो हमारा रिलीज हो रहा है उसको कैसे हम यहाँ पे सिम्बॉल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार डिनोट करते हैं, जहां पे डेल जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट जो है ये जीरो से हमारा कम होगा। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच जो अंतर होगा वो जीरो से भी कम होगा, तो इसी को ही हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपके एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे हम एंडरगोनिक रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सो एंडरगोनिक रिएक्शंस एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस, तो एंडरगोनिक रिएक्शन जो एक्सर्गोनिक का अपोजिट ही होगा, देखते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच द स्टैंडर्ड चार्ज इन फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस फॉर्मूला से जब हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो इसी को एंडरगोनिक रिएक्शंस कहा जाता है। एंड पॉजिटिव एंड एडिशन
एडिशनल ड्राइविंग फोर्स इज नीडेड टू परफॉर्म दिस रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को एंडरगोनिक रिएक्शंस को जो है मतलब कोई भी रिएक्शन जिसको बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, तो उस रिएक्शंस को एंडरगोनिक रिएक्शंस कहा जाता है। अनदर वे टू प्रेस दिस दैट दिस इज दैट यूजफुल एनर्जी मस्ट बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इन टू द वर्केबल सिस्टम फॉर द रिएक्शंस टू happens, ठीक है। जो सराउंडिंग से जो है ये एनर्जी लेगा तभी ये प्रोडक्ट में चेंज हो पाएगा, तो ये जो है इस प्रकार भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एन एंडरगोनिक रिएक्शन सच अ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसमें हमको जो है सौर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, सोलर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो ये जो है एंडरगोनिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। इज अ रिएक्शन दैट रिक्वायर एनर्जी टू ड्राइवन, एंडरगोनिक मींस एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ओके, सो एंडरगोनिक रिएक्शंस मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क के रूप में जो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट में चेंज होगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो एंडरगोनिक रिएक्शंस कोई भी रिएक्शंस जिसको बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है उस रिएक्शंस को एंडरगोनिक रिएक्शंस कहा जाता है। इसको हम ग्राफ में इस प्रकार शो करेंगे। सो ये है हमारा फ्री एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस के बीच जब ग्राफ बनेगा हमारा, तो ये रिएक्टेंट जो होगा ये फर्स्ट लॉट रिएक्टेंट एनर्जी, इसको जो है एनर्जी मिलेगा बाहरी सोर्स से, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट को एनर्जी अगर हमारा मिलता है तो ये डेफिनेटली आगे जाएगा और प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ये एंडरगोनिक रिएक्शंस कहलाता है, इसका बेसिक आप इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज टाइपिकली लार्जर देन द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज शोन बाय द लाइन। यहाँ पे जो ग्राफ जो लाइन से हम शो किए हैं अपने ग्राफ को उसको दिखाया गया है, तो ये बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि इसको जो है बाहर से एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज शोन बाय द लाइन, द चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी ड्राइविंग एन एंडरगोनिक रिएक्शन इज अ पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज एनर्जी इज गेन इन सेकेंड। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि एनर्जी जो है गेन हो रहा है। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं सिंबॉल के रूप में इस रिएक्शन को, ये डेल जी इक्वल टू जी प्रोडक्ट हमारा, एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच अंतर जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस को। तो ये था एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस, एंड ये एक हैंडमेड नोट्स है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए आई होप कि हेल्पफुल हो। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। सो बस ये था इस टॉपिक का एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये यूजफुल हुआ होगा। अपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज का और बायो एनर्जेटिक्स का जो बेसिक हमने डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको हैंडमेड नोट चाहिए तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां सारे यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।